प्रायः हर प्रकार की परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा अथवा नियमित परीक्षा में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर क्वेश्चंस आते हैं और उसको ठीक प्रकार से करना जरूरी है। अब देखिए, ये क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से भी संबंधित हो सकते हैं, जिसमें कि एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी आदि के बारे में हमको इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में अथवा घटते हुए क्रम में उसको विभिन्न पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ता है, या कभी कभी पीएच वैल्यू पर भी क्वेश्चन इस पर आते हैं, या विभिन्न कैलकुलेशंस या गणनाओं पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के जरूर आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि बहुत सरल भी है और हम इसको बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, रैंक द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ एटम्स दिए हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ते क्रम के अनुसार हमें लगाना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। अब आप अगर ध्यान दें तो ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से यहाँ दर्शाए गए हैं। तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमें बताना है, इनको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अब जैसा कि हमको मालूम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज 0.4, और उसके बाद ऑक्सीजन इज 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, और आर्सेनिक फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, जिसको कि पीरियोडिक टेबल में भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। और चूंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी पर पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आधारित है। तो अब क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन को देखना है तो हर एक क्वेश्चन को हमें अलग अलग देखना होगा, समझना होगा, और उसके अनुसार हम इसको क्रमबद्ध करेंगे। तो अब अगर देखिए, यहाँ पर एक एक ऑप्शन को अगर हम ध्यान दें तो हमें सबसे ज्यादा ये ऑप्शन जो ए बी सी डी ई, चार पांच ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, बताई गई है। तो अब आप देखिए, ऑप्शन ए में तो फ्लोरीन है ही नहीं, लास्ट में ये सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में बताया जाता है। तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली रॉन्ग एंड बी इज ऑल्सो, बिकॉज फ्लोरीन इज नॉट देयर, फ्लोरीन नहीं है, ये गलत है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे बाद में आता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पर अगर हमको ये नहीं भी मालूम है वैल्यूज, तो हम बड़ी आसानी से इसमें ऑप्शंस के अनुसार हम इसको ट्रिक कर सकते हैं कि सबसे सही आंसर क्या होगा। और जैसा कि हम ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ देख भी रहे हैं, बता भी चुके हैं कि इस प्रकार से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और आर्सेनिक, आर्सेनिक तो एक मेटलॉइड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, उससे ज्यादा फास्फोरस की, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इस केस में करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आंसर्स गलत हैं।